जिसने कॉलेज में बहुत लाइटर जलाए। और सॉरी होंगी मैडम, अभी जाके परेशान करते हैं उनको। दोनों ही तो थके हैं। नहीं समझता। चलो मैं आपको। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ी देर पहले और हम ब्रश व्रश करके आइस वाइस लगा के वैसे वैसे बैठ गई थी, पर थोड़ा ना मुझे जैसे वो टाइम ऑफ द मंथ आ रहा है 2-3 दिन पास, तो ऐसे मेरे बैक में तब पेन हो रहा था, तब मैं अर्पित को बोला कि यार मसाज कर दो। अर्पित ने मसाज करी, उसके बाद में ठीक लगा, उसके बाद अर्पित सो के फिर मैं उठ गई। फिर मैंने एक बार ज़्यादा लेट हो जाएगी तो फिर एडिटिंग ये सब भी करना है, तो मैं उठी फ्रेश व्रेश हुई और आइस वाइस लगाई हुई, और अभी जाके फिर नहाऊंगी और पूजा वूजा करके उसका एडिटिंग करने बैठती हूँ। और आज तो बहुत अच्छी धूप आ रखी है यहाँ पे, और जैसे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप आई हुई है आज, बहुत ही अच्छी धूप आ रखी है आज। ये हमारा प्लांट से खोलते हैं, पूजा की तैयारी हो रही है, नहा गए हमारे पे भी उठ गया है। लाइटर चलता ही नहीं है। जल तो गया, पता नहीं कैसे किसी ने सिखाया था मुझे कल, जिसने कॉलेज में बहुत लाइटर जलाए। तो हमारी ऐसी चल रही है सैटरडे आफ्टरनून होने वाले, मतलब 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचे हैं। ये अपनी ये देख रहा है और मुझे कोई स्क्रीन देखने का मन नहीं कर रहा, तो हम साथ में बैठे हुए हैं, मैं बुक पढ़ रही हूँ और वो देख रहा है और वो कॉफ़ी पी रहा है, और मुझे कॉफ़ी पीने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या हुआ? बता रही हूँ कि हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, तो मूवी देख रहे हैं, मैं बुक पढ़ रही हूँ। हाँ, मैं स्पाइडरमैन देख रहा हूँ। स्पाइडरमैन चुराया मेरे दिल का चैन। मैं अपनी बुक पढ़ रही जिसका मैंने। सो अर्पित तो अभी न्यूट्रिशनिस्ट के पास गया हुआ है, वो लिख के देगा डाइट क्या क्या खाना है ये वो ला लगना। और मैं अभी सैटरडे को आराम से मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया था और इंस्टाग्राम में भी सब डाल दिया था, तो मैं आराम से बैठी हूँ लाइब्रेरी से जो बुक लाई थी उसमें से एक बुक पढ़ रही हूँ ये वाली। हाँ, तो न्यूट्रिशनिस्ट के पास गया था मैं, उसने बोला कि भाई अर्पित अपना मसल मास बढ़ाओ, और मसल का तो ये फंडा है कि भाई यूज़ इट और लूज़ इट। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब जिम जाऊँगा, हालांकि ऐसा मैं पहले भी बहुत बार डिसाइड कर चुका हूँ, पर इस बार पक्का से जाऊँगा और रेगुलर जाऊंगा, और आई इंक्रीज माई मसल मास। बाकी अंतरा तो गई नहीं थी, उसका मन नहीं था साथ में चलने का, बारिश भी हो रही थी बाहर, शी वाज लाइक कि आज मुझे बस लेटने दो। और सॉरी होंगी मैडम, अभी जाके परेशान करते हैं उनको। और शाम को वैसे निकलना है हमें, हमारी ग्रोसरीज रिप्लेनिश करने का टाइम आ गया, हम अपना देसी स्टोर जाएंगे, इंडियन स्टोर जाएंगे, सब्जियां लेंगे, दालें वाले लेंगे, मसाले लेंगे, और फिर वॉलमार्ट जाएंगे, वहाँ से भी कुछ अपनी एसेंशियल्स उठाने, बताते हैं आपको, आपको भी शेयर कराते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो अभी आप किसे बैठे हो? बस में बैठे हैं, आके बस में बैठे हैं, जा रहे हैं पहले उससे पहले लिटिल इंडिया में, इंडिया स्टोर है उसे लिटिल इंडिया ग्रोसर्स कहते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग साथ में।
यहाँ की बस ऐसी होती हैं, यहाँ सामने दिख रहा है कि कौन सा स्टेशन अगला आता है वो दिखता रहता है। और यहाँ पे देख रहा है आपको रेड कलर का जो बटन मैं दिखा रही हूँ, इसे प्रेस करके हमें बताना होता है कि हमें अगले स्टॉप में रुकना है। और बाकी अभी जब मैं वीडियो बना रही थी बस पूरी खाली हो चुकी थी और मैं और अर्पित थी सिर्फ बस में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारी थी, ऐसे लग रहा है वो है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज नहीं लग रही है ये, ब्लूबेरीज नहीं है, कुछ अजीब सा ही है, अलग सा। देखो बेरी की स्मेल है, बट इट्स नॉट ब्लूबेरी, ब्लूबेरी का। तो ये लिटिल इंडिया ग्रोसर्स से पहुंचने से पहले हम लोग एक स्टॉप पहले उतर गए थे और फिर हम लोग 1.5 किलोमीटर चले, तो हमारी वॉकिंग भी हो गई। वैसे तो आज बहुत वॉकिंग होने वाले थे हमें पता है, बट फिर भी हम 1.5 किलोमीटर पहले चले। उसके बाद फिर हम ये देख सकते हैं आपके अंदर इतनी सारी वेराइटी ऑफ नमकीन रहती है, इतनी सारी वेराइटी रहती है ना बस की, पूरा वो नमकीन नमकीन दिख रही थी स्टार्टिंग में। तो मुझे लगता है इतनी वैरायटी तो मुझे इंडिया में नहीं दिखती है जितनी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और खैर हमारा निशान तो हमेशा आलू भुजिया ही रहता है, क्योंकि हम मुरमुरे में यूज़ कर लेते हैं या फिर हम जब पोहा खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डाल लेते हैं कभी कभी जब मन करता है, तो हम आलू भुजिया ही लेते हैं। और ऊपर गणेश जी की मूर्तियाँ कितनी सुंदर सुंदर लग रही हैं। और ये इतनी सारी सब्जियाँ, आलू प्याज, बस इनके प्राइस ही थोड़े ज़्यादा हैं, बाकी तो प्राइस तो ज़्यादा होगा ही खैर। और यहाँ पर अर्पित ढूंढ रहा है अपना फेवरेट मिर्ची का अचार। तो हम लोग मिर्ची का अचार खाते हैं, बहुत पसंद है। वैसे हमारा ज़्यादा चलता नहीं है, हमारे पहले 10 दिन में ही हम ख़त्म कर देते हैं खा के मिर्ची का अचार, और इतना टेस्टी लगता है। और हम मिर्चियाँ लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी मिर्चियाँ लेके आते हैं। हम लोगों का मिर्ची का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है, मुझे मिर्ची बहुत पसंद है और अर्पित को भी पसंद है। बाकी यहाँ पे दालें, सारी दालें मिलती हैं और मैगी, ये सब जिसको खाना पसंद हो तो वो सब मिलता है, मैगी मसाला, मैगी, ये सब मिलती हैं। बट ये कि प्राइस ज़्यादा है और क्या ही है। और ये सारा फ्रोज़न फूड मटेरियल्स होते हैं यहाँ पे, तो किसी को बनाने का ज़्यादा झंझट ना चाहिए हो तो फ्रोज़न फूड ले सकता है, बट उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप घर में बनाएं। और तेल, इतने सारे तेल, इंडिया के तेल सब हैं यहाँ पे। और ये है सबसे फेवरेट सेक्शन मेरा, पिकल्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अचार। मुझे इसका सोच के मुझे गोरखपुर के अचार की याद आती है, जो वहाँ पे लाल मिर्च का अचार नहीं होता जिसमें भरा हुआ मसाला होता है, वाओ बहुत टेस्टी लगता है। और अब पानी पूरी का प्राइस तो देखिए, $5, ₹300 के पानी पूरी भी नहीं, सिर्फ वो गोलगप्पे उसके बाहर के पानी खुद बनाना है, ओहो महंगाई। अब हम आ गए हैं वॉलमार्ट में और हम बाकी की शॉपिंग कर रहे हैं अपनी जो यहाँ से लेते हैं हम। ये देखिए आप कितनी सारी ये कोरियन और ये सब जापनीज़ किमची, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम, मैंने खा के देखी थी, पता नहीं कौन सी खाई थी याद नहीं आ रहा, बट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। बुंदक, हाँ बुंदक नाम था उसका, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो मतलब मैंने ट्राई करके देखा था, मुझे लगा था वो, इतना सुना था उसके बारे में, बट नहीं मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और बाकी यहाँ पे वॉलमार्ट में सब कुछ ही मिलता है, जो चीज़ चाहिए आपको सब मिलता है। और हमने यहाँ से अर्पित के लिए चीज़ लेती है, अर्पित का बर्थडे, इतना सारा सामान लेके आए हैं वहाँ से वॉलमार्ट से और इंडियन स्टोर से। और आते ही हम लोग काम पे लग गए थे, ये सारा खाना वाना बनाना, सामान वामान रखना, तो वही काम करने में लगे हुए थे, दोनों के दोनों लगे हुए काम पे। ओ पर बहुत थक चुके थे, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर बाहर का खाने का भी मन नहीं था फालतू में, तो खाने में लेट तो हो ही गया था, क्या 11:30 बज ही गए थे, बट हमने हेल्दी खाना खाया, बाहर का खाना नहीं खाया, सो इट्स गुड। तो हम वो पूरा सामान वामान लेके आए थे 10:30 तक। और मैं अभी अंडे बना ऑमलेट खा रहे हैं और ब्रेड ऑमलेट खाएंगे, कचाव बनाने का टाइम नहीं है तो वही खाएंगे। और अर्पित थोड़ा सिंक साफ कर रहा है, आप देख सकते हैं इसे सिंक साफ कर रहा है, किस बर्तन है, तो लड़के ने चमका दिया है पूरा। हाँ थक चुके हैं ऐसे हम। और ये यहाँ बन रहे ऑमलेट और ब्रेड, मैंने कहा बार बार दो दो बनाने की हिम्मत नहीं है, तो दोनों भी बन रहे हैं। और ये ब्रेड,
दिखाते हैं आपको बनाते हैं। एक बात है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एक इंसान सारा काम कर ले तो सबको बांट बांट के थक के भी दोनों को बांट के काम करना होता है। वाँ वाँ वाँ। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान ही काम करे। तो मुझे कह रहा था तुम लेट जाओ, तुम थक गए होगी बहुत। मैंने कहा नहीं, दोनों काम करेंगे जब दोनों ही तो थके हैं। नहीं समझदार। चलो मैं आपको थोड़ी, ये है हमारी ऑमलेट और ब्रेड की पेशकश। आप लोग को कैसे लगा और आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट डाउन करके मुझे बताइए। सो हम कल आए, उसके बाद फिर खाना खा, मतलब आए, सामान रखा जो लाए थे, 6 बजे निकले थे और 10:30 के आसपास आए थे। तो आए, उसके बाद फिर सामान रखा सारा, ग्रॉसरी शॉपिंग जो सारी करती सब रखी, उसके बाद खाना बनाया और उसके बाद फिर सोते सोते हमें 1 बज गए थे। उसके बाद फिर हम उठे अभी 8 बजे और अर्पित थोड़ी पहले उठ गया था, हमें कुछ काम था उसको वो करना था, 7 बजे उठ गया था। फिर मैं 8 बजे उठी, उसके बाद फिर मैंने कहा मैंने उसे कहा तुम सो जाओ, तो वो सो रहा है और मैं अभी उठी हूँ, अभी मुँह हाथ धोया है और अब एडिटिंग करने बैठूँगी, क्योंकि अगर 9:30 बोला तो 9:30 मुझे ब्लॉग आना चाहिए। तो अब एडिटिंग करने बैठूँगी और उसके बाद नहाऊंगी, पूजा करूंगी। तो और उसके बाद मैंने एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी है, वो मैं अगले व्लॉग में करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली। मैंने आपको बताया था ना डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए थे, तो एक और चीज़ पता चली, वो आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊँगी। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाना प्रेफर करते हैं, एकदम से जल्दी बनने वाली चीज़, क्योंकि सुबह सभी बिजी होते हैं, या फिर कोई ऐसी रेसिपी जो आप लोगों के कल्चर स्पेसिफिक हो, तो वो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए और मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मैं कौन सी हेल्दी रेसिपीज बनाना प्रेफर करती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए मेरे और अर्पित के लिए। आप लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर माई चैनल, और अगर आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा नीश है स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस, ट्रैवल, और अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी चीज़ पूछनी है, और हाँ मुझे बुक्स रीडिंग करने का भी बहुत शौक है, तो अगर आप लोगों को कोई अच्छी बुक्स पता हो, बुक्स के नेम पता हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आजकल मैं जो बुक पढ़ रही हूँ, मैं बहुत सारी बुक्स लेके आई हूँ, मैं बताऊँगी आप लोगों को मैं आजकल कौन सी बुक्स पढ़ रही हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइएगा मुझे कौन सी रेसिपीज आप खाना प्रेफर करते हैं ब्रेकफास्ट में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।